तो भैया कौन सा फ्लैट मैंने बिका हुआ है यहाँ पर? सर ये मेरा अपर ग्राउंड का फ्लैट है, 3 BHK का। अच्छा जी, इसकी तो बालकनी मुझे लग रहा बाहर खुलती होगी। हाँ बालकनी पे दरवाजे खुलता जी है जी फ्रंट पे। सर इस रोड की जैसे ये रोड सर कहाँ के लिए निकल जाता है सामने वाला? ये सर बाहर गुरुद्वारे पे निकलता है रोड, मेन हाईवे पे। अच्छा जी। हाँ और अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं ये? हम सर नीतिखंड वन में खड़े हैं। नीतिखंड वन जो गाजियाबाद के अंदर पड़ता है? हाँ जी। अच्छा ये बिल्डिंग है दोस्तों, देख सकते हैं आप ऊपर कितने मंजिल की बिल्डिंग है। एक दो चार मंजिल की बिल्डिंग है सर। अच्छा जी, नीचे पार्किंग है इसके अंदर? हाँ जी स्टील पार्किंग है। ओके, और सर इस रोड की बात करें कहाँ निकल जाता है ये? ये सर आप मंगल चौक निकलता है। अच्छा मंगल चौक होते हुए सिप्रा मॉल वगैरह मॉल के पास निकल जाते होंगे। जी जी। चलो एक बार अंदर से देख लेते हैं कैसा फ्लैट है, फिर उसके बाद दोस्तों इसके कागज वगैरह रेट वगैरह। ये बिल्डिंग नंबर भी है सर 53। हाँ जी। ओके, स्वास्थ्य अपार्टमेंट नाम है बिल्डिंग का इसका? जी जी जी। कोई अगर डायरेक्ट भी आना चाहते हैं तो स्वास्थ्य अपार्टमेंट में आ सकते हैं। 53 फ्लैट नंबर सर हमारा कौन सा है? UGF1। ओके जी, चलो ग्राउंड बहुत बढ़िया जी। ये अच्छा सर स्टील पार्किंग है? ये पूरी पार्किंग है। बाकी बाहर दोस्तों काफी जगह होती है तो एक गाड़ी आप चाहे तो अपनी बाहर भी लगा सकते हैं। और रैम पानी वानी की सर यहाँ क्या व्यवस्था है? मतलब सर गंगा वाटर भी है और आपका समरसिबल भी लगा, दोनों चीजें मिल जाती है। हाँ चलिए जी, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से जाएंगे? हाँ जी सर, लिफ्ट भी लगी हुई है पीछे। मतलब लिफ्ट भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है और सीढ़ियाँ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए सर ऊपर चलते हैं एक बार। नीचे इसमें एक रूम बना रखा है, गार्ड का रूम है क्या? हाँ जी वो सर्वेंट रूम है। ओके जी, चलिए भाई ऊपर। अब अच्छा जी, ये स्टील का दरवाजा है इसके अंदर? हाँ जी। लॉक वगैरह सब एकदम ओके इसमें? हाँ जी। ओके जी, यहाँ से चलिए दोस्तों फ्लैट में अंदर एक बार चलते हैं हम। UG1 फ्लैट का नंबर है, आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरा अंदर से इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाता है। कितने स्क्वायर फीट में सर पूरा फ्लोर है हमारा? ये 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है सर। कितने कमरे इसमें सर बने हुए अंदर? 3 बेडरूम। अच्छा जी, जैसे अंदर आते ही पूरा, अरे वाह, बीच का सर एरिया इसमें काफी दे रखा है आप लोगों ने। ये सर फर्स्ट बेडरूम है अटैच वॉशरूम के साथ। ये पहला बेडरूम है? ओके जी, इस तरह का ऊपर वाला इसका वो है। ये सर अटैच वॉशरूम है इसका। ये पूरा वॉशरूम इसमें अटैच मिल जाता है देखने के लिए, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ। वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में ये पीछे आपको वेंटिलेशन है इसमें शायद? हाँ वेंटिलेशन भी है, रोशनी भी है, ये सब आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। सर लाइट फैन सब चीज़ लगे हुए मिलेंगे? सब कंप्लीट है। सामने टीवी पैनल है क्या ये? हाँ जी है। ओके जी, ये बेडरूम जी हो गया पहला। चलिए बाहर आते हैं। एक सर हॉल में भी LED पैनल दिया हुआ है। अच्छा जी, इसमें भी टीवी पैनल है इसमें? हाँ। LED पैनल, ठीक है जी। ये ऊपर फॉल सीलिंग है और ये आपके ओपन इसके अंदर किचन मिल जाती है। IGL लगा हुआ है, चिमनी लगी हुई है। अच्छा, दोनों चीज़ें देखने के लिए? हाँ जी सर। ओके जी, सर इसकी बात करें तो ये पहले ये वाला बेडरूम दिखा दो एक बार। ये सेकंड बेडरूम है। ओके, इस तरह का आपको देखिए, ये इसमें कवर्ड दी हुई है जी, बहुत बढ़िया। इधर भी है इसमें? हाँ जी सर, पूरा एकदम जी एकदम ओके है। मतलब आपको कुछ भी कोई भी काम इसमें करने की जरूरत नहीं। वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है? ये जी खिड़की है जी बाहर, वेंटिलेशन के लिए इस कमरे का है। बाकी हम जब दूसरे कमरे से बाहर जाते हैं तो फिर हम जैसे हमने वहाँ से सर फेसिंग किधर है इसका फ्लैट का? ये सर फेसिंग पड़ती है वेस्ट फेसिंग। इधर तो वेस्ट है, इधर ईस्ट है शायद? हाँ इधर ईस्ट हो गई, मतलब ईस्ट फेसिंग हो गई। हाँ ईस्ट फेसिंग, ईस्ट से हम अंदर घुसे हैं और ये पीछे किचन है बीच में और इधर इस कमरे में आ गए हम। और इस रूम में भी आपको ये पैनल देखने के लिए मिल जाता है, आप इधर से देखेंगे तो। ये थर्ड बेडरूम है, ये LED पैनल लगा हुआ है इसमें। ओके, ऊपर का फॉल सीलिंग इसमें इस तरह का है और सेकंड वॉशरूम है इसके अंदर ये इधर सर। अरे वाह, इधर भी आपको इसमें वेंटिलेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका वॉशरूम है, यानी कि 3 कमरे हैं इसमें और 2 वॉशरूम हैं जी, 1 किचन है और बाहर बालकनी है। जी 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 जी। और टोटल एरिया हमारा 1200 स्क्वायर फीट है कि ज़्यादा है? 1250 स्क्वायर फीट का दोस्तों फ्लैर है, फ्लोर है ये। और ये नीतिखंड गाजियाबाद के पास, गाजियाबाद में नीतिखंड में है। बाहर आपको इस तरह का टेप वॉशिंग मशीन वगैरह आप अपनी शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। एक बार लोकेशन और आप देख लो, इधर देखेंगे तो आपको ये पूरा ऐसा व्यू मिलेगा, इधर देखेंगे तो ऐसा व्यू मिलेगा विद कार पार्किंग है। सर फाइनली हम इसकी रेट वगैरह की बात करना थोड़ा चाहते हैं, क्या रेट वगैरह इसका? सर 72 लाख की डिमांड है इसकी। ओके, 72 लाख रुपए की? हाँ जी सर। बाकी कुछ नेगोशिएबल है कि फिक्स है? हाँ सर, आप आएंगे तो मीटिंग में कुछ नेगोशिएट कर देंगे। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्री है या GPA है? सर रजिस्ट्री है यहाँ पे, एकदम पक्की रजिस्ट्री मिलेगी। अथॉरिटी के सारे प्लॉट्स हैं यहाँ? हाँ जी सर। ओके जी, बाकी पार्क वगैरह की फैसिलिटी आसपास? हाँ सर, पीछे हाथी पार्क पड़ेगा। और बाकी दोस्तों ये वीडियो आप चलते हुए जो देख रहे हैं, ये हमने फ्लैट के बिल्कुल बगल की रोड बताई आपको 20-30 मीटर की, जिसमें इस तरह का आपको आसपास का चौड़ा रोड मिल जाता है।
मेट्रो स्टेशन सर यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से सर तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है वैशाली मेट्रो स्टेशन। वैशाली मेट्रो स्टेशन जो गाजियाबाद के अंदर पड़ता है, ब्लू लाइन का आखिरी मेट्रो स्टेशन। लोन वगैरह सर इस पर कोई करवाना चाहे तो? हाँ सर लोन हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बैंक वगैरह से। ठीक है, समय दिया सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्क्रीन पे हमने सर के नंबर दे रखे हैं, इस फ्लोर के बारे में कोई भी जानकारी दोस्तों आप इनसे ले सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आपको आना पड़ेगा नीति खंड के अंदर जो गाजियाबाद में पड़ता है, इंदिरा, बाकी आप सॉरी इंदिरापुरम जो गाजियाबाद में वहाँ पड़ता है जी, जी, जी। बाकी आप सर के नंबर पर फोन करेंगे तो आपको सर बाकी जानकारी दे देंगे।